हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा कॉमन सा लग रहा है ना, सिमिलर सा नाम लगा होगा। तो इससे पहले के जो चैप्टर हैं आपको पता है कि SA2 में वो नहीं आ रहे हैं। अभी जो करंटली अगर हम देखें जो CBSE पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली, तो न्यूली चेंज जो है तो उसमें वो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट 6 चैप्टर करेंगे आपका पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम आते ही सबके अलग अलग व्यूज कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं वैसी हैं, इनकी वजह से कंट्री में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ये बेनिफिट है, तो सबके अलग अलग लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव हर टाइप के व्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को लेकर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, हमारे कंट्री को पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी कंट्री को जरूरत ही क्या होती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, कितने टाइप की किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल पार्टीज हो तो कौन सी अच्छी है, क्या नाम है, एक तरीके से कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज किसी कंट्री में होनी चाहिए, कौन कौन सी कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज में और उन कमियों को दूर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें क्या है आप इन चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी के अंदर और किस तरीके से ये किसी भी कंट्री के सही तरीके से काम करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है ना, ओके, दैट मीन्स जो फेडरल एक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है या जो फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसको हम कह रहे हैं यहां पे, जो पॉलिटिकल पावर है उसको चलाने वाला, उसके लिए व्हीकल का काम क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। दैट मीन्स पॉलिटिकल, एक तरीके से कह सकते हो कि फेडरलिज्म का सबसे मेन फीचर क्या है, वहां पर क्या हो, चॉइसेस हो लोगों के सामने। ठीक है, और चॉइसेस कब होंगी, जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जब लोगों के पास ऑप्शन होगा कि ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही तो दूसरी ले आते हैं, दूसरी अच्छा नहीं कर रही तो तीसरे ले आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक डर हो कि हमें लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ एक काम ऐसे अच्छे करने हैं जिससे कि लोग हमें सत्ता में जो रूलिंग पार्टी है एज अ फॉर्म ऑफ रूलिंग पार्टी बनाकर रखे। ठीक है ना, अगर आप नहीं काम करेंगे तो उनमें डर भी होना चाहिए ना कि अगली बार आपका नंबर आएगा ही। क्लियर? तो इस तरीके से हमें कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक, जो आपका फेडरल पावर शेयरिंग जो है पॉलिटिकल पावर, उसको चलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? तो आइए तो अपने चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं जिसमें क्या है आपका सबसे पहले, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की। ओके, अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें आप देख सकते हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखाई देती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर आप देखते होंगे कि एक तरीके से अगर हम डेमोक्रेसी का दूसरा मतलब निकाले ना तो काफी हद तक ये कह सकते हो कि वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ना, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, तो अगर हम नॉर्मल सिटीजन की बात करें ना, आम नागरिकों से पूछें कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, उनके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी है तो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए तो सिंपल सा मतलब होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी पता लगती है जब वहां पर क्या हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वहां पर रियल मायने में डेमोक्रेसी है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे नहीं है तो वहां पर डेमोक्रेसी भी नहीं है। क्लियर? तो इसी तरीके से क्या है, अगर हम अपने आसपास देखें या फिर आप ये समझ लीजिए सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से भी बात करें या फिर किसी दूर दराज किसी गांव में जाकर अगर देखें तो वहां पर किसी को ये पता हो या ना पता हो कि किस टाइप की गवर्नमेंट है हमारे कंट्री में, लेकिन उनको ये जरूर पता होता है कि कौन सी पार्टी रूल कर रही है। कहते हैं ना लाइक वो कमल वाली हाथ वाली है ना, दैट मीन्स कांग्रेस है या बीजेपी है, तो इस तरीके से उनको ये जरूर पता होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन सा राजनीतिक दल है जो इस टाइम पे सत्ता में बना हुआ है। ओके, और उसी तरीके से वो क्या करते हैं, एक तरीके से क्रिटिकली उनको एग्जामिन करते हैं, उनको लेकर अपनी राय बताते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है वो बुरी है, इसने हमारे बेनिफिट के लिए काम किया है। तो हमें कह सकते हैं अधिकतर जो लोग हैं ना वही क्या करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा या फिर बुरा या फिर एक तरीके से उसके उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने वाले वही होते हैं। ओके, क्योंकि उनको एक क्या लगता है कि जो भी सोशल इश्यूज हैं या फिर जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज ही है। ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है तो इसने महंगाई बढ़ा दी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है तो इसने इस टाइम पर क्राइम बढ़ गया, ये पॉलिटिकल पार्टी है तो इस टाइम पे क्या नाम है एजुकेशन एक तरीके से रेट खराब है। तो इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखते हैं कि
जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं हमारे सोसाइटी में, वो सब किसकी वजह से हो रही है? पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। हम सारे दोष सारी गलतियां उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनके मत्थे पे कहते एक तरीके से डाल देते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर अपनी अलग अलग राय रखते हैं, और अगर देखें तो जो आप कहीं पर भी किसी से भी कहें, लोग सिंबल देखकर या फिर कुछ नामों को जानकर क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ऐसी एक बहुत कॉमन पॉलिटिकल पार्टी है भी। अगर हम आज की अपनी रूलिंग पार्टी की बात करें तो जैसे कि जब भी बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी में और किसी को कोई जाने या ना जाने, लाइक हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका नाम हर कोई जानता है, दैट मींस अगर बीजेपी दैट मींस नरेंद्र मोदी। ओके, तो उसके अलावा सॉरी क्या नाम है, उनके नाम के अलावा अगर हम देखें तो उस एक चीज के इंसान के अलावा अगर हम देखें तो बीजेपी में अधिकतर लोग और किसी को भले ही इतना ना जानते हो, जानते होंगे कुछ और चेहरों को भी, बट मेन हम यही मानकर चलते हैं कि बीजेपी है तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से। तो अगर हम जो आज हम देखते हैं ना इतने सारी कंट्रीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज का तो सिस्टम शुरू हो गया है, आज से 100 साल पहले अगर हम देखें तो बहुत कम देश ऐसे थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। ठीक है ना, लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो देख रहे हो कि पिछले 100 सालों में कितना चेंज आया है, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की कितनी ज्यादा जरूरत है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से आज के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और किस तरीके से ये अपना काम करती है। तो इसी को लेकर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दैट मींस पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का एक ग्रुप होते हैं, ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, आपस में मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं और जो चुनाव जीत जाता है वो रूल करता है, जो गवर्नमेंट में क्या एक तरीके से पावर को होल्ड करता है। ओके, तो वो क्या है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, लोगों के हित के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है जिससे वो सोसाइटी का एक तरीके से वेलफेयर कर सके, जो सोसाइटी के भले के लिए हो, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है जिससे कि वो लोगों को कहते ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, है ना, जिससे कि लोग उनकी पार्टी को पसंद करें इस तरीके से। तो ये कह सकते हो कि कॉमन चीजें देखकर वो चलते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो क्या नाम है, अपने अलग अलग एक तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसी के बेस पे क्या है, जो लोग डिसाइड करते हैं कि किसकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ज्यादा अच्छे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उनको वोट देकर क्या है, इलेक्शन में जिताया जाता है। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसी वजह से कई बार उनकी जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम है ना वो सिर्फ उनके डेवलपमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कि आप देखोगे कई बार कि लाइक बहुजन समाजवादी पार्टी है तो क्या है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती है, तो कई बार हमें ये लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करेगी। जैसे कि आजकल हम बीजेपी को देखकर चलते हैं कि सबको क्या लगता है, बीजेपी क्या करती है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है, दैट इज हिंदू क्या नाम, एक तरीके से हिंदुत्व की पार्टी है जिसमें सिर्फ हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी के एक ग्रुप को जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सपोर्ट कर रही है। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड द इन्वॉल्व पार्टनरशिप। ठीक है ना, पेरेंटशिप, ठीक है, पार्टनरशिप ही पेरेंटशिप, जिसमें जो पार्टीज है वो एक तरफ उनका झुकाव हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब इसके बाद क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके कुछ मेन कॉम्पोनेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन मेन कॉम्पोनेंट्स है। सबसे पहला लीडर, जैसे कि अभी मैंने बीजेपी का बताया तो सबसे फेमस उनके लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। देन आते हैं द एक्टिव मेंबर्स एंड आते हैं देन द फॉलोअर्स। ठीक है, अब इनके बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर लीडर की बात करें, बता ही चुकी हूँ जो मेन मेन लीडर्स होते हैं वो, देन एक्टिव मेंबर्स की बात करें तो वो लोग जो उस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, जो एक्टिवली एक तरीके से उस पर्टिकुलर पार्टी से ही अपने आप को जोड़कर रखते हैं, उसके जो एक्टिव मेंबर हैं वो, या फिर जो पार्टी के लिए ही काम करते हैं। फिर आते हैं फॉलोअर्स, जो उस पार्टी को एक तरीके से डायरेक्टली ना चाहिए तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आपने आसपास भी काफी लोगों को देखते होंगे जो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी करे तो उनको क्या लगता है, ये पार्टी का बहुत सही डिसीजन है, ये बहुत अच्छा फैसला किया है पार्टी ने, तो वो क्या करते हैं एक तरीके से उस पार्टी को, उसकी आइडियोलॉजीज को, उसके व्यूज को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनमें भी उस पार्टी को लेकर एक
कह सकते हो, उनकी राय बन सके और वो उस पार्टी से जुड़ सके। ठीक है, अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे किसी पार्टी के तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी अप्रोच नहीं बना पाएगी और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, और लोगों तक पहुंचना तो सबसे बड़ा मोटिव होता है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो इलेक्शन में जीत कैसे हासिल होगी। ओके, तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती है, क्या कार्य है उसके, क्या फंक्शन है उसके है। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है, भाई कुछ भी नहीं है, इलेक्शन जीते और जो अपना रूलिंग एक तरीके से पावर मिल गई और रूल करना स्टार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इतना ही करती है कि क्या नाम, एक तरीके से जो पावर मिल गई, पावर में आ गए और ऑफिस में अपना बैठे और अपना रूल करना शुरू कर दिया। नो, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। इसी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है आपका, कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, चुनाव लड़ती है, जिसमें क्या करती है वो अपने कुछ लीडर्स को, कुछ कैंडिडेट्स को चुनती है पार्टीज और उनको क्या है, एक तरीके से इलेक्शन में खड़ा करती है। ओके, जो ये लीडर्स चुने जाते हैं कि कौन सी पार्टी से कौन एक तरीके से जो उम्मीदवार है वो खड़ा होगा, वो क्या करते हैं, एक तरीके से पार्टी के मेंबर डिसाइड करते हैं या जो सपोर्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, जो मेन लीडर्स हैं। अगर यूएसए में अगर हम बात करें, जो मेंबर और जो सपोर्टर है ना वो डिसाइड करते हैं कौन कैंडिडेट पार्टी इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है ना, इंडिया में अगर हम देखें जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि इस बार किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा इलेक्शन में लड़ने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग देशों में क्या है, डिसाइड किया जाता है कि कौन उम्मीदवार इस बार उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा होगा। तो सबसे बड़ा पहला काम क्या है, फंक्शन कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, मेकिंग लॉज फॉर कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं का काम क्या होता है, एक तरीके से जो क्या करती है, पूरे कंट्री के लिए लॉ मेक करती है, एक तरीके से कानून बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। अगर हम बेसिकली देखें जो डिबेट होती है ना उससे रिलेटेड, कोई भी कानून पास करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो डिबेट्स होती है वो कहाँ होती है, लेजिस्लेचर में होती है, और उसके बाद कोई भी कानून क्या एक तरीके से पास ऑन किया जाता है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो जो बहस होती है वो कहाँ होती है, विधायिका में होती है, और तब जाकर क्या है जो कानून है वो पास किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से कह सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है कि किस तरीके से जो लॉ वगैरह है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पहले एक तरीके से चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद तब क्या है, आप देखते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, और उसके लिए क्या करते हैं वो एक तरीके से लोगों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं और उससे रिलेटेड डिसीजन क्या है लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करते हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते भी हैं, जिसमें कि क्या है जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो कौन लेते हैं, एक तरीके से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके थ्रू लिए जाते हैं। पार्टी क्या करती है, कुछ लीडर्स को रिक्रूट करती है, फिर उनको ट्रेन करती है, एंड देन क्या करती है, एक तरीके से उनको सरकार चलाने के लिए अपने बिहाफ पे तैयार करती है, जिससे कि वो उनके बिहाफ पे सारे डिसीजंस ले सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अपोजिशन। अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है किसी भी कंट्री में, सारी तो नहीं जीतेंगी ना, कोई एक पार्टी ही ऐसी जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे, तो जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो पार्टी लेती है वो तो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, लेकिन जो बाकी जो पार्टीज है वो क्या करते हैं, एक तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। हारने के बाद क्या करते हैं, वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। दैट मीन जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो कोई भी काम करने में, जो भी उसने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए थे, अगर उसको फुलफिल करने में कोई फेलियर या फिर वो गलत पॉलिसीज कोई बना देते हैं, तो इस तरीके की जब चीजें होती है तो उनको क्रिटिसाइज करने का काम कौन करती है, अपोजिशन पार्टी करती है। ठीक है, तो एक तरीके से अपोजिशन पार्टी ही क्या करती है, एक तरीके से लोगों को मोबिलाइज करने का काम करती है, लोगों की सोच को बदलने का काम करती है, कि एक तरीके से जनता को पार्टी के खिलाफ करने का काम कौन करती है, ये अपोजिशन पार्टी ही करती है। वही बताती है कि ये वाली पार्टी ने ये काम गलत किया है, हमारे कंट्री के जो हालात है इन्हीं की वजह से। तो इस तरीके से जो लोगों की जो सोच है ना उसको चेंज करने का काम कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम काफी हद तक कह सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेट करता है, क्या, शेप पब्लिक ओपिनियंस, कि लोगों की सोच को शेपन करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। कोई भी हाईलाइटेड जो इश्यूज होते हैं उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ही अपनी राय देती हैं और उन्हीं की राय को सुनकर लोग अपनी राय बनाते हैं, जिससे कि क्या है, जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद या फिर नापसंद करते हैं, बल्कि लोग अपने आप से उस किसी भी इशू को क्या है, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते कि वो चीज सही है या गलत है, बस पॉलिटिकल पार्टीज के व्यू के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो अपने व्यूज बना लेते हैं और उसको
उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ मूवमेंट्स भी लॉन्च करती हैं, दैट मींस जो भी रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन चलाती है कि आपने ये चीज गलत की है या फिर इस तरीके से, ठीक है ना, तो एक तरीके से आंदोलन भी खड़े कर देती है कई बार, जिसकी वजह से क्या है आप देख सकते हो आसपास के लोग क्या है अपनी जो राय है वो बना लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस क्या है हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी कंट्री में अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, चुनाव लड़ रही है, तो वो अपने अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना एक तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, तो अलग अलग क्या करते हैं अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं और सब जनता पर छोड़ देते हैं कि आपको जिसके पॉलिसी और प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे हैं आप उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या करते हैं जो लोग हैं वो देखते हैं किसके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अच्छे हैं, ओवरऑल ये जो पॉलिसी और प्रोग्राम है ना काफी हद तक मिले जुले होते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ कॉमन देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे, हेल्थ फैसिलिटी देंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे, तो ऐसी ही चीजें क्या है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने जो चुनावी जो टाइम पीरियड होता है ना, आपने क्लास नाइन्थ में देखा होगा जो टाइम पीरियड चलता है जब अपने ये प्रमोशन करते हैं अपना, तो उस टाइम पे लोगों से बड़े लंबे चौड़े वादे ये लोग करते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पर क्या है सारी चीजें प्रिपेयर की जाती हैं और तब जो पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं तो वो एज अ रूलिंग पार्टी फिर अपनी जो पॉलिसीज उसने बनाई है उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सी होती है, एक तरीके से रूलिंग पार्टी किसको कहते हैं, वो पार्टी जो इलेक्शन में ज्यादा वोट लेकर आती है और गवर्नमेंट को रन करती है चलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप देखें कि किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए ना कोई भी प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता, अपने लोकल लेवल पे जो भी उनके लीडर्स है ना वो उनके पास जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों की जो अप्रोच है, लोगों की पहुंच बनाने की कोशिश करती है जो लोकल लीडर्स है ना उस पार्टी से रिलेटेड उनके एरिया में उन तक, ठीक है, जिससे कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो वो अपने लीडर्स से मिल सके और वो उनको क्या एक तरीके से बेनिफिट दे सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सके। तो इस तरीके से कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करने की, जो लोगों की जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और काफी हद तक या फिर कहें कि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो लोगों की जरूरतों का और उनकी जो डिमांड्स है उनका ध्यान रखें और उनको सॉल्व करने की अगर कोई प्रॉब्लम है कोशिश करें, जिससे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उनके अंदर भी एक डर होता है ना मन में, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी, उनको पता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन अदरवाइज जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें आपका पत्ता कट जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एज अ रूलिंग पार्टी नेक्स्ट टाइम लेकर आ जाएगी गवर्नमेंट, दैट मीन्स जनता, ठीक है। तो इस तरीके से उनके अंदर भी एक डर बना रहता है कि उनको क्या करना है, लोगों के भले के लिए काम करना है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अब आज हमने देखा कि रूलिंग पार्टी क्या होती है, हमें जरूरत क्यों है रूलिंग पार्टी की और क्या क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स अपने कवर अप करेंगे। तो हम ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो गुड लक स्टूडेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करें।